खोजी पड़ताल के दौरान कोबरा पोस्ट रिपोर्टर की मुलाकात समाजवादी पार्टी के युवा सचिव सतीश यादव से उनकी पार्टी के लखनऊ कार्यालय में हुई। पहली मुलाकात में ही समाजवादी पार्टी के युवा नेता ने बिना किसी हिचक के रिपोर्टर के दो लोगों को ग्रामीण विकास अधिकारी के पद में नियुक्त कराने का भरोसा दिला दिया। उनका कहना है वो हम करा देंगे। स्टाफ का बिजनेस हो रहा है, ठीक तो हम कहीं इसमें तो विधायक ही दो दो केस करके ले ले, तो हम जिम्मेदार विधायक हो थोड़ा भरोसेमंद हो तो दे देंगे केस डिटेल, दे देंगे टोकन, अगर कहेंगे तो टोकन दे देंगे। और इसमें फायदा ये हो जाएगा कि अगर नहीं भी करा पाए 12 में से 6 भी हो गया, नहीं हुआ तो विधायक तो 17 तक तो विधायक रहेंगे ना, कोई और काम कराएंगे। पैसा तो हम करा देंगे तुम्हारे। किन से? किन से? बल्लम जी। उसकी टेंशन आप थोड़ी, हम चाहे जीते करा दो, दो आपको दो से ज्यादा कैपेसिटी नहीं। जब रिपोर्टर ने सतीश यादव से पूछा कि इस काम के एवज में वो क्या लेंगे, तो सतीश यादव ने पहले तो नानपुर की लेकिन फिर कहा कि इस काम में 10 लाख रुपया लग जाएगा। उन्होंने अपने काम की कीमत कुछ इस तरह बताई, जितना वहाँ चल रहा है रेट अभी और उसके बाद जो बढ़ के है उसमें से ले लेना और मुझे भी दे देना। दो अगर निकल जाएगा तो दो का तो हम रिलीफ हो जाएंगे ना, थोड़ा सा मेंटली रिलीफ हो जाएंगे। तो क्या देना पड़ेगा जो आप समझे? नहीं नहीं, इतना वहाँ चलता है उतना दे देना। नहीं, जो लगता है वो आप बता दीजिए, इसमें हमें क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं, जितना वहाँ चलता है उतना दे देना। क्या चल रहा है रेट अभी? और उसके बाद में जो बढ़ के है उसमें ले लेना और मुझे ले लेना। वो तो है, जाहिर सी बात है कि आप भी मेहनत करोगे हम भी करेंगे तो होगा ही होगा। क्या रेट क्या चल रहा है? 10 लाख का नाम दे दो। और कुछ विधायक बल्लाम यादव जी से करवाएंगे? मैं मुख्यमंत्री जी से कराऊंगा, हमारा ही जो लेटर जाएगा वो मुख्यमंत्री जी के पास। अच्छा, आप लेटर लिखेंगे इसको? सतीश यादव की माने तो इस भर्ती में जातिवाद का बोलबाला है। सतीश यादव को जब पता चला कि रिपोर्टर जिन लोगों की सिफारिश उनसे कर रहा है वे सभी यादव हैं, तो वह बेफिक्री से कहते हैं, तब मेरे लिए आसान है, हम तो ये कहेंगे भैया ये हमारी पार्टी का है। जो मेहनत करेगा उसको भी तो। इसमें यादव कितने हैं तुम्हारे पास? यादव है, सारे यादव ही हैं, सब यादव तब मेरे लिए आसान। अच्छा, क्यों? दूसरों के लिए दिक्कत है? दूसरों के लिए दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, हमारे लिए। अच्छा, हम तो ये कहेंगे भैया ये मेरे एक महीना आगे पाँच से 6 महीने पेमेंट तो वहाँ भी जाएगा ही ना, वहाँ जहाँ आप कराएंगे कोई तो बिना पेमेंट थोड़ी ना होगा। उनका लेटर तैयार करा दे। अच्छा ठीक है, नहीं अगर होता है जुगाड़ जुगाड़ होता है पूरी गारंटी लेंगे। हाँ, दो की तो गारंटी लेते हैं, जुगाड़ जुगाड़ होता है तो अगर नहीं हुआ तो उस पैसे की क्या गारंटी होगी? पैसे वापस होगा। आप प्रदेश युवा के सचिव है? हाँ। मतलब युवा के सचिव है। कमेटी के? सतीश यादव ने हमारी मुलाकात पूर्व पार्षद अयाज अहमद से कराई। दोनों ने इस मुलाकात में कई खुलासे किए। अयाज अहमद ने कोबरा पोस्ट की मुलाकात सपा विधायक चंद्रा रावत और शारदा प्रताप शुक्ला से भी कराई। इन दोनों ने भी पैसा लेकर भर्ती करवाने का भरोसा कोबरा पोस्ट रिपोर्टर को दिया। सतीश यादव ने अपना कमीशन समेत 8 लोगों की नियुक्ति के लिए 80 लाख रुपए की मांग की। इसमें 40 लाख टोकन मनी के रूप में पेशगी में दिया जाना तय हुआ। सतीश यादव का कहना है, मतलब 40 अभी दोगे, 40 होने पर हो जाएगी। देखो आधा पेमेंट पड़ेगा तो 5 लाख रुपए टोकन मनी आधा पेमेंट आना है तो 8 बजे 40 लाख रुपए हो गया। बाद में 5 लाख नामा जल्दी में 5 लाख रुपए और देने हैं, 40 लाख प्लस आप लोगों के 80 लाख
मतलब 40 अभी दोगे 40 तो होने को। हाँ प्लस आप लोगों का जो बाकी जो हम लोगों का वो तो तुम दोगे। हाँ दो दो लाख रुपया। हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लोगों को संतुष्टि नहीं है मैं तो खुद। सतीश यादव ने रिपोर्टर को भरोसा दिलाया कि वो टोकन मनी लाने के बारे में उसे फोन पर बता देंगे। अयाज का कहना है कि टोकन मनी वह इसलिए ले रहा है ताकि ऊपर से जब भी पैसों की बात आए तो वह जल्द से जल्द दे सके। अभी हम कल को उनसे कहेंगे कि भाई पैसा मेरा रखा है, आप करवाइए, हम तुरंत दे रहे हैं, तो हम आपको थोड़े ही ढूंढने जाएंगे, हम तुरंत ले आएंगे। हम लोग खुद देते अपनी मर्जी से होते तो अब टोकन मनी मुझसे आप कल शाम को उठा लीजिए। कल शाम को इन लोगों से आप फोन से कंफर्म कर लीजिए, मुझे बता दीजिए, कल शाम को आप हमसे टोकन मनी उठा लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं मंडे को, यहाँ एक और मेरा काम है बुक ओवर करके, मंडे को मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। देखिए हम टोकन मनी आपसे ये कह रहे हैं, ये तो हमें नहीं चाहिए, जिसके पास पहुँच जाता है। अभी हम कल को इनसे कहेंगे पैसा मेरे पास रखा है, आप करवाइए, हम तुरंत दे रहे हैं, हम आपको थोड़ी ढूंढने जाएंगे। मैं तो खुद कह रहा हूँ ले लीजिए। नहीं सुनो, जैसे यहाँ अभी पहुँचा दिया जाए तो वो अपना वहाँ दे देंगे तो उनके नाम आ जाएंगे। आपको तो इतनी पावर है कि आप तो करा ही लेंगे, तो आप इसको कराइए और ये मेरे लिए समझ लीजिए मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। पर्सनल ठीक होना ना आपकी, हमारी तो आपकी तो ठीक है, हमारी भी ठीक हो जाएगी। तो इस बात को निंदा नहीं आया करवा एकदम से डायरेक्टली करवा ही दीजिए। नहीं तो मैंने तो सिर्फ आपको नहीं पूछना, चलो गलती होगी आप बाद में पूछिएगा, बात अभी आप बाद में पूछिएगा, जब हम आप कह दें कि हाँ हो जाएगा तब आप उनसे चल कर आपके सामने करा देंगे, समझ रहे। अभी हम भी नहीं कह सकते गोप से मामला, अरे विधायक है करा लेंगे गोप से, हम करा लाते हैं तुम्हारा लेकिन करा तो लेंगे मिले हैं। सतीश यादव और अयाज अहमद की माने तो एक प्रभावशाली विधायक उनकी इस काम में मदद करते हैं। कोबरा पोस्ट तहकीकात से इस बात का खुलासा हो रहा है कि सरकारी भर्ती के इस बड़े घोटाले में कई कड़ियां जुड़ी हैं।